सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए, इलेक्ट्रिसिटी पूरे टॉपिक में तीन पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें से पहला पैरामीटर करंट है, और आई शुड से तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं जिनके ऊपर पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी डिपेंडेंट है। अगर ये तीन पैरामीटर्स नहीं होते तो इलेक्ट्रिसिटी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रैक्टिकल यूजेज ही नहीं होता। तो हमने पहला टर्म, पहला डेफिनेशन हमने सीख लिया, दैट इज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सेकंड डेफिनेशन, सेकंड पैरामीटर जो हमें डिस्कस करना है, दैट पैरामीटर इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और सिंपली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या फिर ओनली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दिस पैरामीटर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर एंड इट्स ऑल्सो अ बिट ट्रिकी टू अंडरस्टैंड। इसे समझना अपने आप में एक ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, सो प्लीज फोकस, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। देखिए, अगर मैं टर्म पढ़ू, दिस इज रिटन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। यू हैव स्टडीड अबाउट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नाम के टर्म को बहुत अच्छे से सुना है, जब आपने नाइन्थ क्लास में वर्क पावर एनर्जी नाम का एक चैप्टर पढ़ा था, वर्क एंड एनर्जी नाम का, उस चैप्टर में आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को बहुत अच्छे से सीखा था। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कैसे है, क्यों है, इस चीज को आप जानते हैं। सो लेट अस गेट अ क्विक रिव्यू, हम उसे क्विकली रिव्यू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ चौक, यह एक चौक है, मैंने इसको इस तरह से मेरे हाथ पे रख लिया। हमने डिफाइन किया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू ऑफ एनी बॉडी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी बॉडी इज ड्यू टू द वर्च्यू ऑफ इट्स हाइट फ्रॉम ग्राउंड। उसकी ग्राउंड से कितनी ज्यादा हाइट है उस पर डिपेंड करेगी, उसकी वजह से होगी उसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, जहां मैं खड़ा हूं इसे हम ग्राउंड मान लेते हैं, ओके, आई एम स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। सो अगर मैंने इस चौक को इस तरह से होल्ड किया, सो हम कहेंगे कि क्योंकि ये ग्राउंड से ऊपर है तो इसके पास डेफिनेटली पोटेंशियल एनर्जी तो है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, वी विल सिंपली स्टेट इट एज पोटेंशियल एनर्जी। जब मैंने मेरे हाथ को ऊपर किया और इस तरह से लेके आ गया, देन आई विल से कि क्योंकि चौक पहले यहां था और अब यहां पे है, सो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, बिकॉज मैंने इसकी ग्राउंड से हाइट को इंक्रीज कर दिया। अब जैसे ही मैं इसे और ऊपर लेके जाऊंगा, सो आई विल से कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी में और ज्यादा इंक्रीज हो गया, क्योंकि मैंने ग्राउंड से हाइट बढ़ा दी। अब मैं जब इसे वापस नीचे ले जाऊंगा, सो आई विल से वापस से इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गई। इस चीज को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। सो मैंने क्या किया, लेट अस से दिस इज ग्राउंड, यह ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे एक बॉल रखी है, लेट से 1 kg मास की एक बॉल है, जिसके पास जिसका 1 kg मास है। इस बॉल को जब मैंने ग्राउंड पे रखा था तो ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी है, हम कहेंगे 0, बिकॉज ये तो ग्राउंड पे है। सो आई विल से कि जब यह बॉल ग्राउंड पे है, सो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इज 0 joules। आप एनर्जी की यूनिट को जानते हैं, एनर्जी की यूनिट इज जूल्स, सो ग्राउंड पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0 joules। लेट अस से मैंने इस बॉल को उठाया और उठा के कुछ 5 cm और 5 meter की हाइट पे रख दिया। मैंने क्या करा, इस बॉल को ग्राउंड पे, ग्राउंड से उठाया और 5 meter हाइट तक लेके आ गया।
इस तरह से 5 मीटर इसे ऊपर उठा दिया। तो जब मैं इसे 5 मीटर उठा दूंगा, सब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं? यूजिंग द फॉर्मूला एम जी एच, मास इंटू ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट इंटू हाइट। सो हाइट इज 5 मीटर, मास इज 1 kg, एंड जी, लेट अस टेक ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, जी इज इक्वल्स टू 10 meters per second square। आई एम अज्यूमिंग, मैं ऐसा मान रहा हूं कि आपको जी के बारे में मालूम है, आप जी से फेमिलियर हो, आप जानते हो कि जी क्या है, आप इसके परिचित हो। ओके, सो दिस इज 1 kg बॉल, इट इज टेकन 5 meter अबव द ग्राउंड। सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी 1 × 10 × 5, दैट इज कितना हो गया, 5 meter मतलब 50 joules। तो ये एनर्जी, 50 जूल्स ऑफ एनर्जी जो इसके पास आई, ये इसके पास कहाँ से आई? सवाल यही उठता है कि अभी इसके पास तो 0 joules ऑफ एनर्जी थी, लेकिन अचानक से अब 50 जूल कैसे हो गई? तो हम कहेंगे कि 50 जूल होने का रीजन क्या है? 50 जूल होने का रीजन है कि मैंने इसको 5 मीटर ऊपर उठा दिया। तो 5 मीटर जब मैंने एक बॉल को ऊपर उठाया, तब उसके पास एनर्जी कहाँ से आ गई? 50 जूल एनर्जी आ गई बिकॉज मैंने इस बॉल को यहां से यहां तक उठाने में वर्क किया। व्हाट आई हैव डिड, आई हैव डन वर्क, मैंने वर्क किया, उस वजह से यह बॉल के पास 50 जूल ऑफ एनर्जी आ गई। फिर मैंने इस बॉल को और ऊपर उठाया और अब की बार मैंने इसे 10 मीटर ऊपर खड़ा कर दिया। सो इन दैट केस पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 1 × 10 × 10, विच इज इक्वल्स टू 100 joules। सो यहां पे जो हमारा बेसिक मकसद है, जो कंक्लूड हम करना चाहते हैं, वह ये कि किसी भी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने के लिए आपको उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। मैंने ग्राउंड से उठा के 5 मीटर पे रखा तो वर्क किया। अच्छा, वर्क कितना किया? हम कहेंगे कि वर्क किया, पहले कितनी एनर्जी थी? 0 joules। मैंने उसको लाके खड़ा कर दिया यहां पे और अब कितनी एनर्जी है? 50 joules। तो मैंने वर्क कितना किया? मैंने वर्क किया 50 - 0 मतलब 50 joules। अगर मैं यहां पे बॉल को रखता हूं और यहां से फिर ऊपर उठाता हूं, कहां तक ले जाता हूं? 10 मीटर की हाइट तक। सो 10 मीटर पे उसके पास एनर्जी कितनी है? 100 joules। और 5 मीटर पे कितनी थी? 50 joules। तो यहां से यहां तक मूव कराने में मैंने कितना वर्क किया? आई विल से 50 जूल ऑलरेडी थी, मैंने 50 जूल और जोड़ दी, तो 50 जूल्स मैंने क्या किया? मैंने इसको वर्क के फॉर्म में दे दी। सो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम क्या लिख सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू वर्क डन ऑन अ बॉडी। नाउ अब देखिए, मैं बॉल को ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर उठाऊं, थोड़ा सा ऐसा उठाया और छोड़ दिया, तो बॉल नीचे जाके गिरेगी। फिर मैंने बॉल को वापस उठाया और थोड़ी और हाइट तक उठाया, फिर छोड़ दिया, तो फिर से बॉल नीचे जाके गिरेगी। फिर मैंने और ऊंचा उठा के छोड़ दिया, तो फिर से बॉल नीचे जाएगी। लेकिन किस केस में बॉल की स्पीड सबसे ज्यादा होगी? जस्ट थिंक अबाउट इट, किस केस में बॉल की स्पीड सबसे ज्यादा होगी? सो आई विल से, जब बॉल की हाइट सबसे ज्यादा होगी, तो सबसे ज्यादा हाइट से जब मैं बॉल को छोड़ूंगा, तो उस केस में जब बॉल ग्राउंड पे गिरेगी, तो वह सबसे ज्यादा स्पीड से गिरने वाली है। Why it is so? Because जैसे जैसे मैं उसकी हाइट बढ़ाते जाऊंगा, वैसे वैसे उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। और जब मैं इस बॉल को इस हाइट पे लाके छोड़ दूंगा, तो जब वो ग्राउंड पे आएगी, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। दिस कॉन्सेप्ट यू हैव लर्न इन योर प्रीवियस क्लासेस, आप इसे 9th class में पढ़ चुके हैं। सो हम जस्ट एक ब्रीफ ले रहे हैं। सो हम ये देख सकते हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट का क्या है, इस बॉल की क्या टेंडेंसी है? इस बॉल की टेंडेंसी है कि ये अपनी एनर्जी को रिड्यूस करे। सो यूनिवर्स में एक कॉन्सेप्ट है, यूनिवर्स में एक लॉ है, दैट लॉ सेज एवरी ऑब्जेक्ट
और एवरी मैटर हैज टेंडेंसी टू रिड्यूस इट्स एनर्जी। हर मैटर की यह टेंडेंसी होती है कि वह अपनी एनर्जी को कम से कम कर सके। जैसे कि अगर मैं एक इस तरह का इंक्लाइन प्लेन लेता हूं, इस इंक्लाइन प्लेन पे लेट से दिस इज ए पॉइंट, लेट से दिस इज बी पॉइंट। अब आप सोचिए, अगर मैं इस इंक्लाइन प्लेन पे यहां पे एक ऐसा बॉल रख देता हूं, एक ऐसा टेनिस का बॉल लिया, उसको इस प्लेन के ऊपर ऐसा रख दिया, क्या होगा इसको रखने से? यू विल फाइंड कि जैसे ही आप इसको यहां रखोगे, ये रोल करती हुई नीचे आ जाएगी। दिस विल स्टार्ट रोलिंग एंड दिस विल कम हियर। ये बॉल रोल करती करती इस तरह से नीचे आ जाएगी। व्हाई इट इज सो? आई विल से बिकॉज ए जो है, ए इज ऑन द ग्राउंड, ए ग्राउंड पे है और बी कुछ हाइट पे है। सो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, क्योंकि ए ग्राउंड से जुड़ा हुआ है इसीलिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है, बी थोड़ा सा हाइट पे है इसीलिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। तो क्या होगा अगर मैं बॉल को यहां रखूंगा, दैट इज बी पॉइंट पे, तो बी पॉइंट पे क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा। लेकिन हर ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी क्या है? अपनी एनर्जी को कम करने की। सो इसीलिए बॉल रोल होती हुई यहां पे आके रुक जाएगी, यहां पे आके गिर जाएगी, क्योंकि यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कम है। सो यहां पे हमने क्या देखा कि आपने बॉल को एक हाइट पे रखा और वो रोल करती हुई नीचे आ गई। इसी तरह से जब वाटरफॉल होता है, जब बहुत हाइट से वाटरफॉल होता है, तो क्या आपने कभी सोचा है कि वाटर एग्जैक्टली फॉल क्यों होता है, क्या वजह है कि वाटर नीचे गिरता है? सो आई विल से कि वाटर जब हाइट पे है तो उसके पास एनर्जी ज्यादा है, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, वह कोशिश करता है अपनी पोटेंशियल एनर्जी को रिड्यूस करने की, तो इसीलिए ऊपर हाइट से पानी नीचे गिरता है। अगर हम इस बॉल की बात करें तो ये बॉल ऊपर हाइट पे है, ये बॉल नीचे क्यों गिरती है? सो आई विल से कि जितना ज्यादा इसकी हाइट होगी उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी इसके पास होगी, और ये कोशिश क्या करेगी? अपनी एनर्जी को रिड्यूस करने की, इसीलिए रिड्यूस करने के लिए दिस विल फॉल डाउन, ठीक है, यह नीचे गिरती चली जाएगी। सो जब तक गिरेगी जब तक कोई रुकावट नहीं आए, जैसे कि अगर इस इंक्लाइन प्लेन के नीचे और भी कुछ होता तो यह बॉल और नीचे चली जाती। सो दिस इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट। सिमिलरली अगर हम एक इस तरह का पानी का टैंक लें, दिस इज टैंक ए, दिस इज टैंक बी, और इन दोनों टैंक्स को मैंने क्या करा, मैंने एक वॉल्व से जोड़ दिया, एक पाइप से जोड़ दिया और यहाँ पे ऐसा एक वॉल्व लगा दिया। ओके, दो टैंक लिए मैंने और दोनों को एक पाइप से जोड़ा और ऐसा वॉल्व लगा दिया, यहाँ पे भी पानी भर दिया, और यहां पे भी पानी भर दिया, कुछ इस तरह से। अब आप बताइए कि किस बॉटल में, किस टैंक में पानी ज्यादा है? अगर हम ध्यान से देखें तो हमें दिखेगा कि ए वाले टैंक में पानी ज्यादा है। अब जस्ट थिंक कि अगर मैं इस वॉल्व को यहां से उठाता हूं, इस वॉल्व को हटाता हूं, तो पानी किस तरह फ्लो होगा? क्या पानी फ्लो होगा या फ्लो ही नहीं होगा? सो अगर आप ध्यान से देखेंगे सो यू विल फाइंड कि पानी फ्लो होगा इस टैंक से इस टैंक में, इस डायरेक्शन में पानी फ्लो होना शुरू हो जाएगा। व्हाई इट इज हैपनिंग? इट इज हैपनिंग बिकॉज अगर आप पानी टैंक ए में पानी का लेवल देखें, सो दिस लेवल इज दिस मच, यह लेवल इतना है, और अगर आप टैंक बी में पानी का लेवल देखें, सो दिस इज द लेवल ऑफ वाटर। सो पानी का लेवल ज्यादा किस में है? पानी का लेवल ज्यादा टैंक ए में है। लेवल ज्यादा है मतलब उसकी ग्राउंड से हाइट ज्यादा है, यहां पे आप देख सकते हैं ग्राउंड से हाइट ज्यादा है। ओके, ग्राउंड से हाइट ज्यादा है इसीलिए इसमें पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है,
और ये कोशिश क्या करेगा, पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस करने की, इसीलिए पानी इधर से इधर फ्लो होगा। ओके, सो पानी की टेंडेंसी क्या है, पानी की टेंडेंसी है टू फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल एनर्जी टू लो पोटेंशियल एनर्जी। ओके, या यूनिवर्स में किसी भी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी क्या है, टू फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल एनर्जी टू लो पोटेंशियल एनर्जी। जहां पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है वह वहां से फ्लो होके लो पोटेंशियल एनर्जी की जगह पे आना चाहता है, पोटेंशियल एनर्जी और एनी काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल मान लेते हैं कि दो बॉल्स हैं, एक बॉल है ए जिसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, एक बॉल है जिसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस और सेंटीग्रेड, और एक दूसरा बॉल है बी, इस बी का टेम्परेचर है लेट से 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने दो ऐसे बॉल लिए, दो मेटल के बॉल हैं, एक बॉल का टेम्परेचर मैंने 20 डिग्री करा, इसको क्या करा, इसको गैस पे रखा और गर्म कर दिया, गर्म करने से इसका 20 डिग्री टेम्परेचर हो गया। दूसरी बॉल ली बी, इसको हीट किया और इसका टेम्परेचर हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। अब जब मैं इन दोनों बॉल्स को एक दूसरे से कनेक्ट करूंगा, एक दूसरे से टच करूंगा, ऐसा भिड़ाऊंगा, तो बताइए कहां से कहां पे हीट फ्लो होगी, हीट का डायरेक्शन क्या होगा, हीट कहां से कहां जाने वाली है। सो यू विल से हीट जाएगी बॉल बी से बॉल ए की तरफ। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज बी का टेम्परेचर 100 डिग्री है, बी के पास क्या है, बी के पास हीट की मात्रा ज्यादा है, बी के पास हीट की क्वांटिटी ज्यादा है, ए के पास हीट की क्वांटिटी कम है। तो बी ज्यादा एनर्जेटिक है और ए कम एनर्जेटिक है, तो बी कोशिश क्या करेगा, बी कोशिश करेगा कम एनर्जी पे जाने की, कम एनर्जी लेवल पे जाने की, तो इसीलिए बी अपनी एनर्जी किसको दे देगा, ए को दे देगा इस तरह से। और जब दोनों के पास बराबर एनर्जी हो जाएगी, फॉर एग्जांपल ए के पास हो गई 20 जूल्स, बी के पास हो गई 20 जूल्स, अब क्या कोई एक दूसरे को एनर्जी दे पाएगा, हम कहेंगे नो, बिकॉज बी क्या करेगा, बी कोशिश करेगा और एनर्जी देने की, बट ए कहेगा नहीं, अब तो दोनों के पास बराबर बराबर, अब कोई चेंज नहीं होने वाला, अब किसी प्रकार का एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगा। तो इसीलिए क्या होगा, जिस बॉडी के पास ज्यादा हीट है, ज्यादा एनर्जी है, वह अपनी हीट, अपनी एनर्जी दूसरी बॉडी को दे देगी। तो ये क्या हो रहा है, दिस फिनोमेना इज बेसिकली हीट ट्रांसफर। ये क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रही है। हीट क्यों ट्रांसफर हो रही है, हीट ट्रांसफर हो रही है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। सो आई विल से is due to temperature difference. तो heat transfer हो रहा है temperature difference के कारण। यहां पर अगर हम पानी को देखें तो पानी यहां से यहां क्यों flow हो रहा है, what is the reason behind this? So I will say water flows due to level difference. यहां पर हम क्या कहेंगे, we will say water flow ड्यू टू लेवल डिफरेंस, लेवल में डिफरेंस है इसीलिए पानी यहां से यहां पे फ्लो होता है। बॉल को यहां रखने पे ये लुढ़कती हुई यहां क्यों आ जाती है, सो वी विल से बॉल मूव ड्यू टू हाइट डिफरेंस। बॉल का मूवमेंट हाइट के डिफरेंस की वजह से हो रहा है, इस हीट का मूवमेंट टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हो रहा है, पानी का मूवमेंट लेवल डिफरेंस की वजह से हो रहा है। अब ये डिफरेंस क्यों हो रहा है, हमने ये तो समझ लिया, हमने ये भी समझ लिया कि हीट फ्लो हो रही है बिकॉज इसके पास एनर्जी ज्यादा है, इसके पास कम है, लेकिन इसके पास एनर्जी ज्यादा है कैसे, इसके पास ज्यादा एनर्जी आई कहां से, ये सबसे बड़ा सवाल है। या फिर ये बॉल को यहां पे रखा कैसे गया, बॉल अपने आप तो नहीं पहुंची यहां पे, बिकॉज बॉल तो कोशिश कर रही है एनर्जी कम करने की, तो ऐसा थोड़ी है कि आप बॉल यहां रख दोगे तो ये लुढ़कती हुई ऊपर आ जाएगी, आपको बॉल को यहां रखना पड़ेगा। तो ये बॉल यहां पे आई कैसे, या फिर इस टैंक में ज्यादा पानी आया कैसे, सो इस चीज को हम लिखेंगे that to increase
द एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम वी नीड टू डू सम वर्क ऑन इट। वी नीड टू डू सम वर्क ऑन इट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म कि अगर मुझे किसी बॉडी की एनर्जी को बढ़ाना है तो मुझे उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, उसके ऊपर कुछ काम करना पड़ेगा। ऑब्वियसली आपको बॉल को यहां पे रखना है तो क्या करोगे, ऐसा लुढ़काते हुए ऊपर ले जाओगे, आप ऐसा ढकेलते हुए उसको ऊपर ले जाओगे और बॉल को ऊपर रख दोगे। तो ये जो आप इसको धक्का देते हुए ऐसा ऊपर ले गए, यहां पे आपने इसको यहां से यहां तक मूव कराने के लिए वर्क किया। सिमिलरली पानी की हाइट यहां तक हुई, तो हुई कैसे, मैंने बाल्टी से भर भर के पानी डाला, तो बाल्टी से जब मैं इसमें पानी डाल रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं वर्क कर रहा हूं। आपने इस बॉल को गर्म किया, ज्यादा गर्म किया, इसको कम गर्म किया, तो ज्यादा गर्म कैसे किया, क्योंकि आपने इसको ज्यादा देर तक गैस पे हीट किया। हीट करने से क्या हुआ, गैस जली और गैस जलने से वर्क डन हुआ। सो जो वर्क हुआ वही एक्चुअल में इसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। सो वी विल से द वर्क डन ऑन एनी बॉडी इज स्टोर्ड इन इट इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जो वर्क आपने उस बॉडी पे किया वह उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में उसके अंदर सेव हो गई। यहाँ पे बॉल के अंदर सेव हो गई, यहाँ पे पानी के अंदर, और यहाँ पे इस बॉल के अंदर, दैट इज हीट के फॉर्म में, ओके, हीट एनर्जी के फॉर्म में सेव हो गई। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द पोटेंशियल एनर्जी। सो जैसे यहाँ पे हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करी, उसी तरह से यहाँ पे हीट की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करी, वैसे ही हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। वी विल अंडरस्टैंड दिस व्हाट एग्जैक्टली इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। पहले इसे नोट कर लें, सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी। सो वी विल डिफाइन दैट पोटेंशियल एनर्जी फॉर इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिसिटी के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द मेजर या एज डिफाइंड इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ चार्ज accumulated on a body. So how we will going to define the electric potential energy? Electric potential energy defined होती है charge के terms में। हम कहते हैं जैसे कि एक ball जितनी ज़्यादा ऊपर होगी, जितना उसके ground से height ज़्यादा होगी, उतनी ज्यादा उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी। सेम थिंग हम इलेक्ट्रिसिटी के केस में कहते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी उस बॉडी के पास ज्यादा होगी जिसके पास चार्ज ज्यादा होगा। जिसके पास अमाउंट ऑफ चार्ज ज्यादा होगा उसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। नाउ इफ आई से चार्ज, सो चार्ज का मेरा मतलब यह नहीं है कि 10 प्रोटॉन्स हैं और 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी 10 प्रोटॉन्स और 10 इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन मिलके उस बॉडी को, उस ऑब्जेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, चार्ज कुछ नहीं बचता। यहां पे चार्ज से मेरा मतलब है एक्सेस चार्ज। एक्सेस चार्ज मतलब जो चार्ज एक्स्ट्रा मैंने बॉडी पे दिया
उस चार्ज के टर्म्स में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करेंगे. व्हाट वी विल से, वी विल से दैट मोर द चार्ज ऑन अ बॉडी, मोर इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. जितना ज्यादा उस पर चार्ज होगा उतनी ज्यादा उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी. नाउ व्हाई आई एम सेइंग कि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी, बिकॉज इस यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, वह हमेशा न्यूट्रल ही रहते हैं. अगर मैं आयरन की बात करूं, अगर मैं कॉपर की, जिंक की, और कोई मेटल की, नॉन मेटल की, किसी भी एलिमेंट की, तो दैट एलिमेंट एग्जिस्ट इन न्यूट्रल फॉर्म. वह एलिमेंट हमेशा न्यूट्रल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, मतलब वो चार्ज्ड नहीं होता. जब हम जमीन से उसे निकालते हैं या एटमॉस्फेयर में उसे लेते हैं, सो उस समय वह चार्ज्ड नहीं होता, उसके पास किसी प्रकार का चार्ज नहीं होता. सो टू चार्ज अ बॉडी we need to supply electric charges or electric charge to it externally. हमें एक्सटर्नली उसको इलेक्ट्रिक चार्ज सप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके वह बॉडी चार्ज होना शुरू होगी, तब जाके वह बॉडी चार्ज हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक बॉल मानता हूं, इस तरह की एक आयरन की बॉल ले ली हमने. नाउ इनिशियली यह बॉल एक न्यूट्रल है, यह बॉल पे कोई एक्सेस चार्ज नहीं है. जो चार्ज आयरन में होता है, जो न्यूट्रॉन्स, जो प्रोटॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी इसमें होते हैं, बस उतने ही हैं. बाहर से किसी प्रकार का चार्ज इसे नहीं दिया गया, किसी भी प्रकार से हमने इलेक्ट्रॉन्स इसमें से नहीं निकाले, तो यह बॉल एक न्यूट्रल बॉल है. ओके, सो इस आयरन बॉल को अगर मुझे चार्ज करना है, तो चार्ज करने के लिए क्या करूंगा? फॉर एग्जांपल, आपने ग्लास रॉड के लिए देखा था, आपको ग्लास रॉड को हाथ में पकड़ के सिल्क पे रब करना पड़ा, और रब करने की वजह से ही, उस रबिंग की वजह से ही उसके पास चार्ज एग्जिस्ट किया, उसके पास चार्ज आया. सो व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स टू चार्ज अ बॉडी अ सर्टन अमाउंट ऑफ वर्क हैज टू बी Done. Certain amount of work has to be done. मतलब अगर किसी बॉडी को मुझे चार्ज करना है, तो उस बॉडी पे मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा. जैसे इस चौक को मुझे पोटेंशियल एनर्जी देनी थी, तो जब ये चौक यहां था, यहां से उठा के यहां तक लाने में मुझे कुछ वर्क करना पड़ा. सो दिस वर्क इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. हमने अभी सीखा कि यह वर्क किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में. सो एग्जैक्टली यहां पे भी अगर मुझे इस बॉल को चार्ज करना है, तो चार्ज करने के लिए इस पे मुझे चार्जेस लाके रखने होंगे. ऐसे जैसे इलेक्ट्रॉन में लेके आया, दूर से मैंने इलेक्ट्रॉन्स उठाए, किसी और बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स उठाए, और एक एक इलेक्ट्रॉन इस पे लाके रखता गया, लेके आया, रखा, लाया, रखा. ऐसे करके मैं इस पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स लाके रखता जा रहा हूं. इन इलेक्ट्रॉन्स को इस बॉडी पे रखने के लिए मुझे वर्क डन करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं उठा के ला रहा हूं ना, हाथ में लेके आ रहा हूं, लेके आके इस पे रख देता हूं, फिर लेके आया, फिर रख दिया, फिर लेके आया, फिर रख दिया. ऐसे करके बार बार मैं वर्क कर रहा हूं इस बॉडी पे, इस बॉडी को चार्ज करने के लिए. सो दिस वर्क डन जो हमने किया, सर्टन अमाउंट ऑफ वर्क डन, सो दिस वर्क डन टू चार्ज
the body is stored in this body in the form of electric potential energy. So क्या कहा हमने? हमने कहा कि to charge a body a certain amount of work has to be done. इस body पे work done करना पड़ेगा, आपको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी. आप चार्ज उठाओगे, लेके आओगे, रखोगे, फिर चार्ज उठाओगे, लेके आओगे, रखोगे, इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी. सो दिस वर्क डन टू चार्ज द बॉडी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कोई नई चीज नहीं है. हम कहेंगे एक बॉडी को चार्ज करने में खर्च की गई एनर्जी इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. सो इफ यू डिफाइन प्रॉपरली व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, सो वी विल से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू चार्ज अ बॉडी. एक बॉडी को चार्ज करने में खर्च की गई एनर्जी विल बी डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसके ऊपर इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स ला रहा हूं और मुझे इलेक्ट्रॉन्स लाते लाते इस बॉडी को लेट से मैंने चार्ज कर दिया और चार्ज करने में लेट से मुझे 10 जूल की एनर्जी खर्च करनी पड़ी. 10 जूल की एनर्जी कैसे? मैंने मेरी बॉडी में से 10 जूल की एनर्जी खर्च करी. मैं चार्ज लेके आया, रखा, चार्ज लेके आया, रखा, तो उसमें टोटल एनर्जी जो मेरी बॉडी से खर्च हुई दैट इज 10 जूल्स ऑफ एनर्जी. तो हम कहेंगे कि इस बॉल की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू 10 जूल्स. तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल्स. ओके, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इट इज द वर्क डन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू चार्ज अ बॉडी. किसी बॉडी को चार्ज करने में खर्च की गई एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. अब लेट से मैंने 10 जूल्स ऑफ एनर्जी खर्च करी इस बॉल को 2 कूलम्स चार्ज करने में. ठीक है, लेट से हम अज्यूम करते हैं कि मैंने इस आयरन बॉल को चार्ज करा 2 कूलम से, मतलब मैंने इसके ऊपर 2 कूलम चार्ज लाके रखा. ओके, 2 कूलम चार्ज मैंने जब इस पे रखा तो मुझे 10 जूल्स ऑफ एनर्जी खर्च करनी पड़ी. ठीक, नाउ अगर मैं 2 की जगह 4 कूलम चार्ज लाके रखूंगा तो क्या होगा? तो हम कहेंगे कि आपको 10 जूल और खर्च करनी पड़ेगी. और अगर मैं 6 कूलम चार्ज लाके रखूंगा तो क्या होगा? तो हम कहेंगे आपको 10 जूल और ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी. तो क्या हो रहा है? जितना ज्यादा मैं इसे चार्ज कर रहा हूं उतनी ज्यादा इसकी एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है, क्योंकि हर बार मैं वर्क डन करता जा रहा हूं. 1 कूलम चार्ज लाया रखा, फिर 1 कूलम लाया रखा, फिर 1 कूलम लाया रखा. तो जितना ज्यादा चार्ज इस पे एक्यूमुलेट होता जा रहा है उतनी ज्यादा इसकी एनर्जी भी इंक्रीज होती जा रही है. सो फॉर दिस बॉल द टोटल 2 कूलम्स ऑफ चार्ज, 2 कूलम्स ऑफ चार्ज अगर इसके ऊपर आता है तो एनर्जी कितनी लग गई? 10 जूल्स ऑफ एनर्जी. हम सिर्फ इतना मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटेड टू चार्ज. यह चार्ज से ही रिलेटेड है. इसमें वैसे और भी फैक्टर्स आते हैं पिक्चर में. ज्योमेट्रिकल फैक्टर आता है, जो बॉडी आप यूज कर रहे हो उसका शेप कैसा है, उसका साइज कितना है, यह सब भी कंसर्न में आता है, बट अभी हमारे काम का नहीं है, हमारे कोर्स में नहीं है. इट इज बियॉन्ड अवर स्कोप. हम सिर्फ बेसिक चीजों पर ही डिस्कस करेंगे. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी समझ में आती है कि क्या होना है, क्या होती है. इसी तरह से हमने एक टर्म और लिखा है ऑब्लिक करके, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल.
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिफाइन कर देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग और इन चार्जिंग इन चार्जिंग अ बॉडी बाय वन कूलम। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कोई अलग चीज नहीं है, सिंपली स्टेटेड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन चार्जिंग अ बॉडी बाय वन कूलम। मतलब अगर मैं किसी बॉडी पे एक कूलम चार्ज ला रहा हूं, तो एक कूलम चार्ज किसी बॉडी पे लाने के लिए, किसी बॉडी पे रखने के लिए जो एनर्जी मुझे खर्च करनी पड़ रही है, दैट एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फॉर एग्जाम्पल यहां पे हम देख सकते हैं कि दो कूलम चार्ज में लेके आया तो मुझे कितनी एनर्जी लगी, 10 जूल की एनर्जी। तो अगर मैं यहां पे एक कूलम चार्ज लेके आता, सो वन कूलम चार्ज के लिए मुझे कितनी एनर्जी लगती, 5 जूल्स ऑफ एनर्जी। सो आई विल से इस बॉडी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, इस बॉडी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है 5 जूल्स। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज। किस तरह से हमने डिफाइन किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, हमने कहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज। इस तरह का यह एक फॉर्मूला बन गया। यहां पे हमने 10 जूल्स ऑफ एनर्जी खर्च करी थी दो कूलम चार्ज लाने के लिए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकाला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने निकाला 10 जूल्स डिवाइडेड बाय 2 कूलम्स। सो दिस विल गिव यू 5 जूल्स पर कूलम। वी विल अंडरस्टैंड दिस जूल्स पर कूलम। तो यह डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की, एंड दिस डेफिनेशन इज फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बोथ दिस कॉन्सेप्ट्स आर इंपॉर्टेंट। सो पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर हम इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं।